आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एक तो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला पेज का लाइफ साइकिल और कुकीज़ के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेज लाइफ साइकिल देखते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब हम जिस एनवायरनमेंट में हम काम करते हैं ना, वो पूरे के पूरा जो एनवायरनमेंट है तो होता है क्लाइंट सर्वर, जिसको एप्लीकेशन टाइप बोलते हैं हम लोग। उस क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन टाइप के अंदर में जो हम एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं उसको हम लोग डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर बोलते हैं। डिसकनेक्टेड का मतलब ये होता है कि एक साइड होता है क्लाइंट, दूसरे साइड होता है सर्वर। क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। यानी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमारे पास कुछ प्रोटोकॉल्स काम करते हैं, एक तो रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। ठीक है, यानी कि क्लाइंट क्या करेगा, आपको रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और सर्वर क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करता है। तो इन द मीन वाइल क्या होता है, जब आपका रिक्वेस्ट जनरेट होता है, सर्वर के पास जाता है, तो सर्वर आपकी इन्फॉर्मेशन को आप तक डिलीवर करने के बाद आपको डिसकनेक्ट कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग वहाँ पे सेशन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और सेशन के थ्रू उसको हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। तो जो क्लाइंट साइड की जो इन्फॉर्मेशन है ना, उसको हम डेटा को कैसे सेव करेंगे, कैसे स्टोर करते हैं, तो वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सर्वर होता है, क्लाइंट होता है, वो क्लाइंट के पास एक कुकीज़ नाम की फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, जिसको वो कुकीज़ के अंदर में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। और अगर हम चाहें कि मैनुअली अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराएं तो हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे क्लाइंट साइड पर इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। तो कुकीज़ को हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, कुकीज़ को हम रीड भी कर सकते हैं, कुकीज़ को हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल मैंने बनाया है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखो, जैसे कुकीज़ है, उस कुकीज़ को यहाँ पे मैंने क्रिएट किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसके अंदर हम कुकीज़ की कोई भी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कराना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे स्टोर कराऊँगा। तो यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ कुकीज़ को, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, यहाँ से उसको मैं यहाँ पर रीड कर सकता हूँ उसको, और यहाँ से मैं उसको डिलीट करा सकता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक फॉर्म बनाया है। तो देखो, इसे आप पहले रन करा के देखते हैं, फिर हम कुकीज़ को हम देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कुकीज़ के अंदर मैंने एक संदीप सिंह नाम से एक वैल्यू डाला है और मैं इसको यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, क्लाइंट साइड पे एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कुकीज़ स्टोर हो गया। अब मैं जैसे मैं रीड करूँगा तो रीड करने के बाद मैंने क्या किया, उसको मैंने इस कुकीज़ में स्टोर करा के रिस्पॉन्स करके रीडायरेक्ट कर दिया, राइट कर दिया। तो ये कुकीज़ की वैल्यू मैं रीड कर पा रहा हूँ। ठीक है, और वापस मैं यहाँ पे अगर मैं डिलीट करता हूँ तो मेरी कुकीज़ जो है वो डिलीट हो जाती है। अगर मैं दोबारा रीड पे क्लिक करूँगा तो देखो कुकीज़ क्या है, अनडिफाइंड है, मतलब कुकीज़ की वैल्यू डिलीट हो चुकी है, इसलिए अनडिफाइंड दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे देखो सीएस पेज पे पहले तो मैंने जो प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करी है इसके अंदर में कुछ कोड्स मैंने हमने लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है क्रिएट पे। जब आप क्रिएट पे क्लिक करते हो तो उसमें हमने क्या किया है, देखो क्रिएट में मैंने यहाँ पे एक HTTP कुकीज़ क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम है नेम कुकीज़, या कुछ भी ले सकते हो, एक ऑब्जेक्ट डिफाइंड है जिसका नाम HTTP कुकीज़ क्लास का नाम है, उसके नाम से मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या किया, एक नेम नाम से पैरामीटर डाल दिया, या कुछ भी ले सकते हो। तो नेम नाम से एक पैरामीटर ले लिया मैंने इसके। अब उसके बाद हमने जो नेम कुकीज़ लिया है उसके अंदर मैंने एक वैल्यू जो था, नेम की जो वैल्यूज थी वो मैंने डाल दी, और नेम की वैल्यू के अंदर में मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी। सपोज़ कर लो यहाँ से आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड दोनों कुकीज़ के थ्रू सेंड करना है, तो आप आईडी और पासवर्ड के नाम से दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उन दोनों ऑब्जेक्ट को टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप यहाँ पे पास करोगे। यानी टेक्स्ट बॉक्स में जो भी आप डालते हो वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, इस वैल्यू के अंदर में जो आपने यहाँ पे डाली हुई है नेम कुकीज़ के नाम से बनाया हुआ है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे उसका एक्सपायरी भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो एक्सपायरी था, ये नेम कुकीज़ का जो एक्सपायरी था, यहाँ पे मैंने डेज़ के हिसाब से डाल दिया 30 डेज़ के बाद, यानी 30 दिन के बाद क्या होगा, ये कुकीज़ एक्सपायर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो ये एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाए तो यहाँ पे 1 कर दोगे तो ये एक दिन के बाद एक्सपायर हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ के अंदर में ऐड कर दिया इस नेम कुकीज़ को, यानी कि नेम जो कुकीज़ होगी वो हमने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जब भी आपकी जब वैल्यू यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पे ब्रेक पॉइंट, तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कर्सर का पॉइंटर गया
सबसे पहले कुकीज़ पे गया, तो कुकीज़ पे जाने के बाद उसने क्या किया, किस नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट के अंदर में उसने एक एक वैल्यू को एज अ पैरामीटर नेम को स्टोर करा दिया। फिर उसके बाद उसने क्या किया, नेम के अंदर में जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होगी वो नेम के अंदर में वो पुट कर देता है। तो देखो यहाँ पे जो नेम का टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू थी हमारी, वो नेम को उसने इसके अंदर स्टोर करा दिया। उसके बाद यहाँ पे उसकी एक्सपायरी सेट कर दी कि ये 30 डेज़ के बाद ये कुकीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए। क्योंकि क्या होता है, कुकीज़ बेसिकली टेक्स्ट फाइल होती है जो कि ब्राउज़र की होती है, तो ब्राउज़र के अंदर में जो फाइल्स होती हैं वो उस पर आप वहाँ पर उसका वो सेट कर सकते हो कि ये टेक्स्ट फाइल कितने दिनों के बाद आपके लोकल सर्वर से डिलीट होगा। तो ये मैंने 30 डेज़ में लगा दिया। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट कुकीज़ डॉट ऐड कर दिया, यानी कि कुकीज़ को मैंने क्या किया, सर्वर साइड पे, मतलब जो क्लाइंट साइड की जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से वो सर्वर साइड पे जाती है वहाँ लोकल फाइल में मैंने स्टोर करा। स्टोर कराने के बाद जैसे मैं स्टोर कराया तो देखोगे यहाँ पे कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो डेटाबेस के अंदर में, सॉरी डेटाबेस कुकीज़ के अंदर में जो जिसका नाम मैंने नेम रखा था उसके अंदर ये स्टोर हो गया। अब मैं जैसे रीड पे क्लिक करूँगा तो जो भी नेम था जो मैंने स्टोर कराया था उसको रिट्रीव करेगा। अब देखो रिट्रीविंग में क्या हो रहा है, जो मैंने वैल्यूज़ को नेम को रिट्रीव किया था, स्टोर किया था, उसके बाद मैंने क्या किया, HTTP नाम से कुकीज़ ऑब्जेक्ट जो बनाई थी वो सेम नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके अंदर में भी सेम हम लोगों ने क्या किया, नेम को रिट्रीव किया। हेलो, नहीं आ रही है, तो नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू हो रहा है ना। दोबारा से करो तुम, अब आवाज आ रही है मेरी, देखो तो रिकॉर्डिंग पे लगाऊं या ऐसे करूं, तुम्हारे को फिर वो सराउंडिंग आवाज ज्यादा आएगी अगर मैं ऐसे बात करूंगा तो। रिकॉर्डिंग में ये है ना कि तुम बाद में उसको भी देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है, जो भी हम लोगों ने क्या किया था, एक तो फाइल को हम लोगों ने रीड किया, यहाँ से आपकी फाइल यहाँ से रीड होगी और रीड होने के बाद आपकी फाइल राइट हो जाती है। हेलो, अभी आ रही है क्या आवाज़ तुम्हें? हेलो 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 हेलो, हाँ यार उससे तुम्हारी आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब देखो यहाँ पे ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से तुम्हें अच्छा कोई बात नहीं, चलो ये सेशन देख लो अभी। तो यहाँ से देखो क्या है, ये टेक्स्ट फाइल है, इस टेक्स्ट फाइल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया कुकीज और ये टेक्स्ट फाइल में से रीड क्रिएट कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या किया, फेच किया, यानी फेच द कुकीज यूजिंग द की। मैंने की यूज किया है वही वाला, उसका नाम डाला, नाम डालने के बाद मैंने एक नेम नाम से एक ऑब्जेक्ट लिया, उस नेम के अंदर मैंने कुकीज नॉट इक्वल्स टू नल, नल नहीं होगा, या कुकीज की वैल्यू जो होगी, अपनी साइड से म्यूट कर देना, कुकीज का जो वैल्यू होगा उसको, क्लियर नहीं आ रहा, मैं तुम्हें ना इसका एक टेक्स्ट फाइल भेज देता हूँ फिलहाल, अभी ना तुम रीड कर लो, फिर मैं इवनिंग में तुम्हें कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे लग रहा है नेटवर्क इशू है, नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हें टेक्स्ट फाइल भेजता हूँ अभी, टेक्स्ट फाइल देखो उसको, ये वाली जो फाइल है ये ASP.NET की लाइफ साइकिल के बारे में मैं तुम्हें पढ़ाना था मुझे अभी। ठीक है, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, फिर इवनिंग में कनेक्ट करूंगा, मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, उसको भी पढ़ लेना अभी। तो अभी कॉलेज में हो क्या, घर पे आ गया हूँ? ठीक है,
सर यहाँ पर तिरपंगा होता है नेटवर्क ही नहीं आ रहा यार। हेलो हेलो, वो आज के लिए मना कर रहे हैं, कल के लिए बोल रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। अभी एकदम से मैसेज आया, मैंने बात नहीं करी, मैंने कहा आप निकले तो नहीं हो ना, वहीं पे हो ना अभी, बात तो निकल गई है। अभी एक मिनट लाइन पे रहो, लाइन पे रहना अभी। खास
लंच करोगे हैं? लंच करोगे? ले आओ, खाते हैं ना।